दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर कौन था काकभुशुंडी और क्या है उसका रामायण से लेना देना? चलिए जानते हैं इस खास विषय में। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण और रामचरितमानस में काकभुशुंडी का उल्लेख मिलता है, उत्तरकांड में भी इनका उल्लेख मिलता है। वैसे सवाल ये है कि काकभुशुंडी आखिर थे कौन? कहते हैं सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया और उसी कौवे का पूर्व जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। जब राम बालक थे तब वह उनके पास ही रहते थे। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी, इसीलिए वे राम के पास रहकर उनकी बाल लीला देखते रहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो राम रोने लगे। काकभुशुंडी सोच में पड़ गए, क्या तीनों लोकों का स्वामी रोटी के एक छोटे से टुकड़े के लिए रो सकता है? उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया और वह सोचकर वहां से उड़ चले कि यह तो कोई साधारण सा बालक है। आकाश में बहुत ऊंचे और बहुत दूर जाने के बाद अचानक उनकी नजर पीछे पड़ी, तब पता चला कि वह बालक अपनी शक्ति से उनके पीछे आ रहा है। काकभुशुंडी तभी चक्कर खाकर नीचे गिरने लगे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वह तो उसी बालक के चरणों में गिर पड़े हैं जो थोड़ी देर पहले महल में रो रहा था, यानी कि प्रभु श्री राम। प्रभु की यह लीला देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। काकभुशुंडी ने राम की कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार भी हुआ। काकभुशुंडी इस कथा को भगवान गरुड़ से सुनते हैं और गरुड़ से ऋषि यातस्यलय, और कहते हैं कि वाल्मीकि को यह राम कथा के वनवास से लौट आने के बाद नारद जी ने उन्हें सुनाया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बच जाने पर श्री राम ने भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। लोमश ऋषि के श्राप के चलते काकभुशुंडी कौवा बन गए थे और लोमश ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे के रूप में भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने भुशुंडी रामायण लिखी थी। अब ये भुशुंडी रामायण आखिर है क्या? भुशुंडी रामायण में पूरी तरह से काकभुशुंडी किस तरह से भगवान श्री राम के चरित्र को दर्शाते हैं ये सब बताया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा और काकभुशुंडी अवंतिका यानी कि उज्जैन के वहां पर श्रोतक थे। वहां जाकर वे एक वृप की सेवा करने लगे। वृप ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। एक बार जब वृप भगवान शंकर की पूजा प्रार्थना कर रहा था तो इससे उसका घोर अपमान उन्होंने कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि तुमने अपने गुरु का निरादर किया है, इसीलिए अब तुझे सर्प की अधम योनि मिलेगी और उस योनि के बाद तुझे हजार बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुशुंडी के गुरु बड़े दयालु थे, इसीलिए उन्होंने शिवजी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा स्वयं क्षमा याचना करने से भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसको हजार बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु इसके जन्म मरण का दुख इसे नहीं होगा, ना ही है अपने किसी भी जन्म की स्मृति को भूलेगा, इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा, जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा और मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। और उसके बाद तो आप जानते ही है, काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में भगवान शंकर और माता पार्वती जी के बीच का संवाद सुन लिया, वो कथा सुन ली जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी।
और इसके बाद उन्होंने स्वयं इसे आज की मॉडर्न भाषा में कहें ऑब्जर्व करने के लिए वह श्री राम के पास गए और श्री राम के पास जाकर उन्होंने सचमुच वही पाया जो उन्होंने सुना था कि श्री राम ही स्वयं एक भगवान है और प्रभु के चरणों में वह गिर पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसे अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।